दीपक एक बहुत ही साधारण सा लड़का है। उसकी शादी एक बहुत अमीर घर की लड़की टीना से हुई है। लड़के की माँ रमा ने बहुत प्यार से दोनों की शादी करवाई, लेकिन टीना ने उसने तो घर में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी, आपने सुबह सुबह कर दिया ना दिमाग खराब। जब आप देख रही हो कि मैं तैयार होकर घर से बाहर निकल रही हूँ, तो पीछे से टोकना जरूरी है क्या? अरे बहू, तुम इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। देखिए माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझ पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे रोक टोक ना करें और मुझे मेरी लाइफ मेरी मर्जी से जीने दें। टीना सुबह सुबह अपनी सास को चार बातें सुनाकर चली गई। इतने में दीपक आया और वो अपनी माँ से पूछने लगा, क्या हुआ माँ, ये टीना इतना क्यों बोल रही थी और कहाँ गई है वो? अच्छा बेटा, वो तुझे भी पता कर नहीं गई क्या? सोचा था तुम्हारी शादी करूंगी, बहू आकर घर संभालेगी, मेरी सेवा करेगी, लेकिन उल्टा बहू की सेवा मुझे करनी पड़ रही है। चलो तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। रमा दीपक के लिए नाश्ता बनाती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब वापस वो घर आता है तो अपनी पत्नी को आवाज देता है, टीना टीना। बेटा, वो तो सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले निकली थी तो अभी तक घर नहीं आई। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन माँ, वो गई कहाँ? अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। दीपक और रमा देर रात तक उसका इंतजार करते हैं। जब उसका कोई पता नहीं चलता तो वो टीना के माता पिता को फोन लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। तभी रात के 2 बजे उनके दरवाजे की बेल बजी। दीपक जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने टीना खड़ी होती है। वो घर के अंदर आती है। टीना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तो सिर्फ रात के 2 बजे हैं। सुबह तक आ जाती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्लीज दीपक, मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ, साफ साफ बोलो प्रॉब्लम क्या है। बहू, हमें यह परेशानी है कि अच्छे घरों की लड़कियां और बहुएं इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहती। मम्मी प्लीज, ये नॉनसेंस वाली बातें मेरे सामने मत करना। अच्छे घरों की लड़की कैसी होती है मुझे पता है। अब आप दोनों इसी तरह से मेरे सामने सवाल जवाब करते रहोगे या मुझे सोने भी दोगे? थक गई हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। टीना सोने चली जाती है। अगले सुबह रमा घर का काम करती है तो दीपक टीना से कहता है, टीना माँ सुबह से उठकर घर का काम कर रही है, तो माँ की थोड़ी मदद करो। देखो दीपक, मुझसे ना ये घर का काम वाम नहीं होता, कोई और काम है तो बताओ। अच्छा दीपक, प्लीज तुम ना जल्दी से अपने ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करो तो मेरे भी कपड़ों पर कर देना, आज घर पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। टीना, तुम मेरा काम तो करने से रही, अपना काम भी मुझसे करवा रही हो। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, एक तो तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। प्रेस कर दो या फिर मेरे लिए कोई नौकर रख दो। टीना अपने पति को बातें सुनाकर सीधा रमा के पास पहुंची, जो रसोई में काम कर रही थी। वो टीना को देखते ही बोलती है, अरे बहू, ये क्या, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? आज सूरज किस दिशा से निकला है? मम्मी, आप मुझसे ऐसी बातें करते हो ना, इसीलिए मैं किचन में नहीं आती। वैसे मैं आपसे ये कहने आई थी कि आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही है तो आप उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना, और वो अब हर हफ्ते आया करेंगी। हर हफ्ते क्यों? तुम लोग कोई काम शुरू कर रही हो क्या? नहीं मम्मी, हम किटी पार्टी करते हैं तो हर दिन किसी न किसी के घर पर जाते हैं, तो एक दिन वैसे ही सारी सहेलियां मेरे घर भी आएंगी। चलो, दिन में तो तुम किटी पार्टी करती हो, रात में क्या करती हो जो इतना लेट घर आती हो? मम्मी, रात हम फिर से पार्टी करते हैं, लेकिन किसी के घर पर नहीं, क्लब वगैरह में एंजॉय करते हैं। चलिए आप कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिए, टेस्टी होना चाहिए, वो पहली बार मेरे ससुराल आ रही हैं। टीना अपनी सास को हुक्म देकर चली जाती है। अब रमा टीना की सहेलियों के लिए खाने का इंतजाम करती है। जब सहेलियां खाना खाती है, अरे टीना, ये खाना किसने बनाया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। इससे अच्छा तो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती। टीना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सास से कहती है, मम्मी वैसे तो आप अच्छा खाना बना लेती हो, आज मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया तो आपने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ना? नहीं बहू, मैंने तो रोज की तरह बनाया है, तुम खाकर तो देखो। आप मुझे पहले ही बता देती कि आप खाना नहीं बनाओगी तो मैं बाहर से मंगवा लेती,
मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। बहु, तुम अपनी सहेलियों के सामने कैसे बात कर रही हो मुझसे? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है तुम्हें? मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया है क्या नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी शादी किन कंगाल लोगों से करवा दी? ये लोग तो तुम्हारे घर के नौकरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। छोड़ो ना यार, तुम लोग क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? चलो हम क्लब चलते हैं, वहीं कुछ खाएंगे और पार्टी मेरी तरफ से। ओके। टीना अपनी सास की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। दीपक के आने के बाद रमा उसे सारी बात बताती है। फिर रमा और दीपक टीना के माता पिता के पास जाकर कहते हैं, भाई साहब, आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। वो घर को घर नहीं होटल समझती है। मर्जी पड़े घर आती है, मर्जी पड़े चली जाती है, रात रात भर घर से बाहर रहती है। अरे तो क्या हो गया, ये तो आजकल की फैशन है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तुम चुप रहो, तुमने ही अपनी बेटी को बिगाड़ा है। बहन जी हमें माफ कर दो, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। टीना के पिता ने टीना को रुपया देना बंद कर दिया। अब वो अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसकी सहेलियों ने भी उससे मिलना बंद कर दिया। टीना सारा दिन घर में रहती। वो अपने पति और सास से लड़ती रहती। एक दिन वो अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई। मॉम, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, वहां पर मेरा दम घुटता है। टीना की माँ अपनी बेटी को दिलासा देती है कि तभी उसका पति कहता है, देखो टीना की माँ, बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। टीना के ससुराल वाले शरीफ लोग हैं, मगर तुम्हारी बेटी ने उनकी जिंदगी खराब कर रखी है। वो इस घर में नहीं रह सकती। अगर तुम्हें इनके साथ जाना है तो जाओ, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन वो जाएगी कहाँ? अपने ससुराल जाएगी, और कहाँ जाएगी। टीना अपने ससुराल वापस चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर में कदम रखती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पति ने नीता से दूसरी शादी कर ली थी। ये क्या किया तुमने? तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम कुछ भी कर सकती हो, और मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। अभी निकालो इस चुड़ैल को यहाँ से, ये इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर नीता टीना को जोरदार थप्पड़ मार कर कहती है, ए पापा की परी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बलने की? आज के बाद अपनी औकात में रहना। चल चुपचाप किचन में जाओ और हमारे लिए खाना बना कर ला। टीना थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप किचन में चली जाती है। अब नीता टीना से घर का सारा काम करवाती और उस पर बहुत अत्याचार करती। एक दिन टीना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। आया मेरे बाप की बिगड़ी हुई बेटी, ये क्या बनाया है? तुझे आलू के पराठे बनाने नहीं आते क्या? मैंने पहली बार बनाए हैं। हाँ, तभी इतने बुरे बनाए। तेरे माँ बाप ने तुझे बदतमीज के अलावा कुछ नहीं सिखाया। आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। चल जाकर कपड़े धो ले, एक हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। अब टीना पूरे दिन कपड़े धोती है और फिर भी नीता उसे कुछ खाने को नहीं देती। नीता के अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते ही जाते हैं। उसकी सास और पति भी कुछ नहीं बोलता। एक दिन तंग आकर टीना घर छोड़कर चली जाती है। पिता ने तो पहले ही उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब वो कहाँ है, कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता।